स्टार्ट कर दी माशाल्लाह से। भाई जी हम क्या के पकड़ते हैं कबूतर ये बता देंगे आपको कि ये कबूतर अगले हवा में गारंटी देंगे या अगली हवा में कबूतर यहाँ हो चार चार होने चाहिए यहाँ पड़ा हो चार हर जगह पे टांग दे एक उधर एक उधर एक उधर चार पांच जाल होने चाहिए कि उसको आंसर नहीं देना वो ऐसे ऐसे भी कर रहा है तो उसको छपे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेजर पेट्स में खुश आमदीद। तो मैं हाजिर हुआ हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जान ऊपर कौन आया हुआ है यार? मुझे जो है ना जैन भाई, एक बात की समझ नहीं आ रही है कि कदीर भाई आ गए हैं जो जिनसे पहले हमारे मैच हुआ करते थे, जिनके कबूतर भी पकड़े थे हमने। हाँ, कबूतर पकड़े भी थे और जो है ना वो शौक छोड़ दिया था वहाँ से। तो दानियाल बोल रहे हैं कि अब हमारी दोस्ती हो गई है और वो दानियाल के साथ छत के ऊपर ही खड़ा है। तो दानियाल कह रहा है कि यार वो मिलके जो है ना छत के, क्योंकि लेवल मिलता जुलता है हमारा, क्योंकि उसकी भी छत ऊंची थी और बाकी वो भी मतलब ना फुल कारीगर है कबूतर, वो कहीं कहीं तोड़ देता है। मतलब अब जो है ना जब दोनों उस्ताद मिलेंगे ना तो मैं कह रहा हूँ दानियाल सुल्तान और कदीर पूरी टीम बन जाएगी। हाँ जी। तो वो कह रहा है कि हम टीम बनाते हैं और इलाके में जो है ना थरथली मचा देते हैं। तो सर जी अब बात ये है कि जाके थोड़ा सा इंटरव्यू कदीर भाई का भी लेते हैं और जाके परिंदे चेक करते हैं। चलते हैं, देर नहीं करते हैं। क्या बतासु रात है, चलते हैं दिखाते हैं पर। तो चलो चलो लग जाएगा ना, तो इंशाल्लाह ताला बड़ा अच्छा शौक होगा फिर। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है सर जी? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तो कदीर भाई आज मतलब कि कदीर भाई को भी मैं ले आया हूँ, ठीक है? कि कदीर भाई ने ना अपनी 600 कबूतर खैर ख़त्म कर दी है, लेकिन रफीक किसाई से बहुत ज़्यादा चेंज थी इनकी। पहले वो रफीक किसाई की छत है, पता है हमारी ऑडियंस को, और साथ ही कदीर भाई की लगती है, ठीक है? तो कहने का मकसद ये है कदीर भाई ने कबूतर खैर अपने सारे सेल कर दिए हैं। मैंने कहा भाई इस सीज़न में फिर मिल के शो करते हैं और रफीक की बजाते हैं। ऐसे ही रफीक को जो है ना सही कर रगड़ा भाई जान ले हम। रफीक का ऐसा रगड़ा लगा रखा था इन्होंने भाई। कितने कबूतर मतलब एक टाइम में पकड़े आपने उसके? काफी कबूतर पकड़े, मतलब एक से एक कबूतर इनका पकड़ा। और कितने कबूतर उड़ते थे आपके? मेरे 20-22 कबूतरों में मैं इनको 20-22 में रगड़ा दिया। ये देखो यहाँ कमान दे रहे हैं भाई जान 250 कबूतरों की। यहाँ कमान संभालने लगे दानियाल सुल्तान और कदीर भाई मिल के जो है ना रगड़ा निकालेंगे। ये कबूतरों में मतलब सीजन आ रहा है, ये जाके मेरे ख्याल से तकरीबन कोई अक्टूबर नवंबर में जाके कबूतर तैयार खड़ा है। ऐसे ही है, जाके सेल अपनी स्टार्ट हो जानी है और बाकी इनको कबूतर चेक कराते हैं खोल के। कबूतर निकालो जरा और चेक कराओ जरा, कह रहे हैं कबूतर वगैरह भी चेक कराओ कैसा है कैसा नहीं चेक करेंगे, जो है ना सारी देखभाल करा करेंगे। कौन सा कबूतर पीछे हट रहा है, कौन सा कबूतर लागी हो रहा है, वो सारी चेकिंग करके कबूतरों को लादा लादा करेंगे। आपने देखना है और बताना है ये कबूतर हमारा आगे निकलेगा, ये काम कर सकता है, ये डीवा है, डेसू है, ये रह सकता है, उनको रोकने डाल देंगे। अरे आगे सुल्तान भाई पानी डालो, सुल्तान भाई प्यासे हैं। सारे कबूतर निकाल दो जरा बाहर, सीमे का निकाल देना वो जो पट्ठा पकड़ा है, निकालो निकालो जरा। शर्ट पसंद आएगा नहीं? शर्ट बहुत अच्छा है माशाल्लाह, है फुल रौनक मेला लाइटिंग वाला, बहुत जबरदस्त है इंशाल्लाह, आपको शुक्र लगेगा, बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। ये अपने रेसर बाहर आ गए, हो गए हैं, इनकी लगाम हाथ में लेनी पड़ेगी भाई। हाँ, रेसरों का साथ नहीं उड़ा सकते, ये देखो करने पड़ेंगे, हो गए हैं ये लगाम घोड़े, इनको थोड़ी सी हथियार तो इनके साथ नमक चढ़ गए ना इनके साथ। हाँ, वो वापिस नहीं आना, उसकी आत्मा खोल देंगे। और सुल्तान भाई नया चढ़ गया तो कहीं दूर छोड़ाएंगे। हाँ, यही बात है, दवाई इनको ऐसी देनी है रफीक कसाई और वो कदीर भाई, ये देख लो सेट अपना है इतना है और भी डाल देंगे भाई, कोई टेंशन नहीं लेनी, जब ये लड़ाएंगे इंशाल्लाह इनको पता लगेगा। ये जो कम कबूतर उड़ाते थे ना कदीर भाई, उनको ये जो है ना मुँह में डालते थे, सही है। अब हमारे साथ पैचा पड़ा है ना इनका, इनको याद करा देंगे कि कबूतरबाजी होती कैसे है। सही बात है, चलो 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 आटा कराओ जरा, चेक करो जी माशाल्लाह से। वो देखो वो कहाँ ले गए, आओ जो देखो कितनी दूर ले गए, नवे कबूतर बीच में लगे पड़े हैं। यही बात मैं कर रहा हूँ आपसे कि नवे कबूतर इसको रोका करो, ये सारे चढ़ गए कच्ची कलर में रह जाएगा। बात जरा सुनवाओ क्या कहना चाहते हैं।
ये जो रेसर है ना इनके साथ बीच में ना उड़ाया करो इनको। अच्छा, कच्चे घरों में जो कबूतर है वो वहाँ रह जाएंगे। मतलब ये जब ये गिरदान हो जाए ना पक्के कसाईया बन जाए फिर छोड़ देखो। अभी जिस तरह चप्त हो गया लाल है, ये चम्मा सा उड़ा है बीच में, ये कच्चे है, ये नहीं है। जहाँ लड़ गया वही सो जाएगा, लड़ते ही सो जाएगा क्योंकि पर कच्चे है अभी। ये देखो जी ये आ गए, ये अभी तो आधा छतरी है बैठा और ऊपर माहौल चेक करो आप जरा। हाँ जी वाह, माहौल बनेगा फिर बनेगा जी, बिल्कुल बनेगा। अभी कितने बाइक कर लिए, अभी तैयार हुई है ये अभी पर कच्चे हैं, थोड़े थोड़े में पर रहे हैं अभी कच्चे और अनुकश हैं कबूतर, इनको जरा माल छाल लगाएं। वो देखो जी कितना सीन लग रहा है सामने, सही है इनको साफा लगाओ, सही है क्या करें, मैंने बला इन्होंने खाया तो सफाई हो, सफाई हो, साफा लगाने के बाद हल्का पुल्का इनको छोटी सी रुकानी है, साफा मतलब सही है सफाई होगी इनकी, यानी कि इनके पेट साफ हो जाएंगे। जो कुछ भी खाया पिया है ना कदीर भाई कह रहे हैं पीछे से भी जो खाया हुआ है इन्होंने, इनको सफाया लगा के एक दफा साफा, उसके बाद जो है ना हल्की फुल्की रुगानी देंगे, रुगानी देंगे फिर ये इंशाल्लाह देखो आपको फैल दिखाएंगे, फिर जो है ना मैच शुरू कर देंगे हमने। और यार ये फार्मूले भी अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं सुल्तान भाई, जब लगाएंगे ना तो इंशाल्लाह ताला दिखाएंगे सब कुछ, और कबूतरों को चलाते हुए भी दिखाएंगे, लड़ाते हुए भी दिखाएंगे, सारा माहौल फूल और टैड पैंचा पड़ना है हमारा भाई रफीक के साई के साथ, एम ही नहीं है कि कबूतर तैयार हो रहे हैं क्योंकि जैन भाई और तुम्हें पता है कि 4 से 5 बंदों का होना जरूरी है ऊपर, ऐसे ही है सुल्तान भाई, इसलिए कदीर भाई ने वहां से शौक कर लिया और अब हम मिल गए, काफी काफी चीजें आएंगी, मतलब कि यहाँ पे लपे-छपे हमें बनानी पड़ेगी फुल टाइम, ठीक है, तरपाल बिछाना पड़ेगा, तरपाल बिछेगा लपे वैसे छाले लपनी होगी, 4-5 लपे होंगी, 4-5 लपे आप तो सही लगना लगने वाला है ऊपर भाई जान, ये हमारी देख के जाएगा अगली चोट में वो ऐसे है। तो रफीक बात सुनाओ क्या कहते हैं रफीक भाई को, ये पैगाम है ये बयान सुन लो कि बस जो है ना हमारी तैयारी फुल जोशो खरोश से जारी है और तुम भी अपनी तैयारी फुल टाइट कर लो भाई। तो यार ये बताएं कदीर भाई ये कबूतर लप पे क्यों उतरता है, ये लप पे बेईमान हो जाता है कबूतर भाई, बेईमान हो जाता है, ईमान वाला कबूतर होगा वो तो नहीं देखता, या जिसके अंदर ताकत पूरी है जिसको आपने सही भराई कर रखी है वो कबूतर नहीं देखेगा, उतर अच्छा कभी भी नहीं देखेगा, आपका कबूतर की भराई पूरी, आपका कबूतर गलती करके बैठेगा बैठते उठेगा उठेगा, आप यूं करके मारेगा वो छाड़ को देखेगा नहीं, वो फौरन उठ, और जिसने भूखा मार रखा होगा, जिन्होंने भूखे मार रखे हैं वो बढ़ जाएगा, डाल रहे हैं तो फिर आपको पता है जहाँ बैठ गए वो कहानी खत्म कर देगा, यहाँ तो देसी घी लगते हैं सुल्तान भाई सर्दियों में, एक फाल में लगे सुल्तान झंडा खोल रहा, ठीक है और यहाँ दे दो कदीर भाई के हाथ में, चलो कराओ उधर आटे वगैरह, उड़ा दो यहाँ, बाकी रेसर तो भाई ऊपर तो हाँ वो बदले कर ही खड़े हैं, रेसर भाई इलाके से शार्ट है, ऐसे इनकी भी मेरे ख्याल से इतना रंगीन कबूतर हमारे एरिया में अभी नहीं है, किसी का नहीं है अभी, किसी ने नहीं छोड़ा है आप खुद बताएंगे, ये है किसी का, किसी का नहीं है ऐसे कबूतर, कबूतर भी अच्छा छोड़ के लड़ाएंगे, ये नहीं कि बेइज्जती करानी हमने, अब माशाल्लाह कुछ कबूतर हम लेके आएंगे वो बने हुए इंशाल्लाह गंदेदार, वो कौन से हैं सर, मोदी लट्ठे, मोदी लट्ठे छोड़ने, मोदी लट्ठे छोड़ने, भाती छोड़ेंगे 10-15 कबूतर बने छोड़ने, भाती छोड़ने सारे छोड़ने, कबूतर पता लगेगा एक दफा राल टपके बंदे की देख के खुद दिल करेगा इनसे लड़ाएं कबूतर, और जैसे लड़ाएं तो उनका मंजा उतार देना हमने इंशाल्लाह, माशाल्लाह से क्योंकि खुराक के हमने इनकी पूरी रखनी है, दाना पानी हर चीज हिसाब से रखेंगे, तो ये उतर से ये उतरते ही साथ पानी नहीं पीने देना, ताव लग जाता है ना गर्मी है ना, जैसे ही कबूतर आटा खा के आए गर्मी के अंदर तो उसे पानी नहीं पीने देना, चलो जी चलो, अभी तो कितने टाइम बाद ये यार ये बताए ना आटा खाने के बाद कितने टाइम बाद पानी देने, तकरीबन 10-15 मिनट, ये थोड़ा सा ठंडा हुआ उसके बाद आप पानी थोड़ा रखना है कुनारी में, बिल्कुल थोड़ा सा, सिर्फ इतनी इतनी इनकी चोंच
डूबनी चाहिए, इतना पानी कम होना चाहिए, बस इतना हल्का फुल्का हल्का गीला होना चाहिए। सही, इस तरीके से देते हैं इनको पानी। और दूसरा जो गिट्ठा के दीर है, इसका पट्ठा सुबह में से बच के निकल गया लाल, ठीक है, उसके मैं आज कड़ाई उतर गई थी, जाल लगाई, जाल लगाई है। वो देखो जी, सुबह में सर पट्ठा बच गया इसका। चलो कब तक दानियाल, माफी नहीं है, माफी नहीं है। और वो खड़े हैं जी माछी, वो खड़े छत पे, देखो जी वो आ गए, ऊपर खोलने और ताड़ में ऊपर देखने आ गए। अब देख रहा मैं खोल लूं या ना खोलूं। खोल लो, खोल लो, खोल लो, तो खोल दो रहा है यार, खोल लो, खोल लो, खोल लो, खोल लो। तो अब साथ में क्या दें कुदीर भाई का, दो चावल ही, चावल पड़ा दो, जेंटल सिरप चलता है वो दे दें, वो दे दो, वो बड़ा बेस्ट है। थोड़ा सा गुलकंद ले लो भाई, गुलकंद सही है, मैं उसको पकाऊं ठंडा हो जाए, उसको छान के ठंडा करके वो खा लो, सही है। शाम को फ्रेश हो जाएगा, रात को सफाई हो जाएगी, हल्के वजूद हो जाएंगे इनके, ठीक है। उसके बाद हल्का फुल्के कोई भी यानी कि रुकाने का, जो इनकी गलियों में थरथराहट है, अभी कच्ची गलियाँ हैं, खून सुखाने के लिए क्या देना चाहिए इनको? धूप लगनी चाहिए, धूप फुल लगे, धूप लगे। लेकिन यार इनको खुला छोड़ के जाते हैं तो गिर जाते हैं, खुला छोड़ के जाते हैं, पीछे आके सुनते हैं जी तीन का कैसा फील है, चार बजे पांच बजे जब देखो अच्छा आ गई है, उस टाइम ऊपर आके सारे बाहर निकाल दो, सही आराम से बैठो, देखो एक दो उठने लगे फौरन आटा दिया पिछा के, उनको आगे जाने ही ना दो, ये ऐसे कलिए सुखाई है ये, और जब तक कली नहीं सो गई इसकी कसाइयाँ नहीं है, कसाइयाँ नहीं है, पाँच छह घसा फिर गया ऐसे सुनता। हाँ तो यही तो बात मैं कर रहा हूँ आपसे, खुले छोड़ के गए हैं कदीर भाई, कलियाँ सुखाने के चक्कर में पीछे तलाक का मार, वो एक रोड पे गिरा, वो चिमा उठा के ले गया, एक चिमा उठा के ले गया, जाया करने की बात है ना। तो हाँ बस ये भी बात सही है कि शाम को दाने लाए घंटा पहले और इनको फोन दिया, आए घंटा पहले आ जाओ, हाँ सारे फ्री हो जाओ, आप भी आ गए वो भी आ गए, उसके बाद खोले छाई भी हमें बैठ के दो, बाहर निकाला है फिरते रहे, उसके बाद ऊपर बिठा दिए, कहा आटा दे के बिठा लिया, ये कलियाँ सुबाते जाएंगे अपने आप, जब कलियाँ सुबा लेंगे तो देखो जानिया देखो इनकी। तो आपको कबूतरबाजी करते हुए कितने साल हो गए हैं? मैं यार बचपन से ही कबूतरबाजी कर रहा हूँ। फिर भी कितने साल हो गए होंगे? तकरीबन मेरे को 25 साल हो गए, 25 साल तजर्बा है जी, हमारी तो उम्र भी नहीं है 25 साल। कदीर भाई का 25 साल का जो है ना एक्सपीरियंस है, ज्यादा ही होगा क्योंकि ये बचपन से ही जो है ना इस शौक में है, और यानी कि हम भी यानी कि बचपन से देखते आ रहे हैं कदीर भाई को, बड़ा अलग किस्म का कबूतरबाज है, बड़ा माहौल बनाते हैं भाई जी, हम कह के पकड़ते हैं कबूतर, ये बता देंगे आपको कि ये कबूतर अगले हवा में गारंटी देंगे ये अगली हवा में कबूतर यहाँ होगा। चलो और ये ट्रेलर भी आपको दिखाएंगे, ये कैमरे में कह दो जो कबूतर चढ़ के आ गया जाने नहीं देना, जो कबूतर चढ़ के आ गया वो नहीं जाएगा इंशाल्लाह, वो यही आएगा हमारे इंशाल्लाह। दादा भाईजान अब हम मिल के ना ऐसा इलाके मॉल बनाने वाले हैं फुल टाइम, इंशाल्लाह मॉल तो बनाएंगे लेकिन इलाके में खौफ भी बनाएंगे कि भाईजान कबूतर इनसे बैठने ही नहीं है, अब इनको खुला ही रहने दे, मेरे इसमें कोई नहीं निकलता क्योंकि गर्मी जितनी ज्यादा है ना, कोटा फिर खुला रहने देते हैं, जिसने अंदर बैठना अंदर बैठा रहेगा, रोक दो ये सेट, रोक दो ये ना होना कि फिर छटा खड़ा होगा, इनमें से रोको ये, बाकी ये जो सारा दिन के ये बैठे हैं, बाकी जो दिन आ हैं वो फिर करेंगे, इसको पकड़ दो सुल्तान, पकड़ दो बंद कर दो, हाँ मेन कबूतर है हमारा वो, और ये गुल्ली भी पकड़ो भाई, गुल्ली मारो मारो दाना मारो आगे, अब उसने नाम सुन लिया वही पीछे मैंने भी पकड़ लेते हैं उसको यार, और जाल भी लंबे वाला लेके आते हैं, जाल भाईजान नए आएंगे अब तो जाल होने चाहिए तीन चार, जाल तीन ऐसे ही चार जाल होने चाहिए, क्या पड़ा हो जाल हर जगह पे टांग दे, एक उधर एक उधर एक उधर, चार पांच जाल होने चाहिए, तो ऐसे एक उसको आसरा नहीं देना यार, वो ऐसे ऐसे भी कर रहा है तो उसको छपड़ी, कदीर भाई कह रहे हैं कि अपने हथियार जो है ना हर कोने में दबा दो, जैसे ही वो आए यहाँ पे और हमला कर दो, हथियार निकालो और हमला। दूसरा वो है कि जाल है क्योंकि आप उसकी दौरी वगैरह डाल सब कुछ डल जाएगा, जाल है, जाल है, ये है बड़ी छपरी का जाल, उसका इसको ना मेंटेन करना है ना जाल को, ये दौरी है ठीक है, ये यहाँ पे लगेगी क्योंकि हाथ पे चढ़ा हुआ है सुल्तान, ये तीर शीर यहीं लगेगी ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे, और डोरी वगैरह डालनी पड़ेगी, हो जाएगा सारा ही, डोरी भी आप खुद बना लोगे या ये डोरी तो निकालनी, वो बनी बनाई जाली
जाली मंगा लो, जाली मंगा लेंगे ना, जाली ये वाली डलवा लो दानिल भाई की, ये पड़ी ये तो कबूतर मार देती है यार, मार देगी जैसे कबूतर से भी, जैसे आपने घुमाया है ना इसको, मर सकता है इसलिए आप कह रहे थे कि नहीं यार, नहीं वो जाली मिल जाएगी ना, वो ये होता है सिर्फ नीचे रखने के लिए, जिससे कट्टे कबूतर आ गए ना किसी के, अब ऐसा भी होगा कि चार चार पांच पांच जो उतरेंगे लोग, हाँ ये काम आएंगे, चेक करो जरा, चार चार पांच पांच भी उतरेंगे तो उसमें ये होता है कि आपने कट्ठा दाना गीला करा और फेंक दिया, सारे कबूतर जुड़ेंगे वो एकदम जाल ऊपर खुला है, रख दिया, डक दो आराम से, ये देखो जी कली रहेगी, यही कली, यही चीजें चेक करने के होते हैं, इस कमी से एक कबूतर गिरेगा वरना नहीं गिरेगा, समझ रहे हो बात को, ये जजमेंट होती है और ये चीजें होती है, इधर से दो हैं, यहाँ से दो हैं, ठीक है, आप इसको आप लड़ा रहे हो, आपको नहीं मैं आपने चेक नहीं करी, इसको लड़ा रहे हो, एक हवा लड़ेगा, दो हवा लड़ेगा, तीसरी हवा में जैसे दर्द होगा इसने बैठा हो जाए ना, इसने उसमें कबूतर का कसूर दे, कसूर आपका है, हमारा कसूर, सही बात है, तो खैर हमने कलियां खींचेंगे जो रह रही है और इनको बंद कर देंगे, जब ये मुकम्मल हो जाएंगी फिर इनको बाहर निकाल लेंगे, जब तक हमारे कबूतर भी तैयार हो जाएंगे, ये तो वैसे कसाई इनको देर नहीं लगी, हफ्ता लग गया था, सेट हो जाएंगे वापस, तो बाकी ये जैन भाई, बाकी यार आपके साथ शेयर करते रहेंगे डेली ट्रेनिंग, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, अल्लाह हाफिज़।